बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दिया सौगात। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। प्रयागराज की पावन धरती पर प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को परेड ग्राउंड प्रयागराज में आयोजित नारी की शक्ति देश की शक्ति कार्यक्रम में बीसी सखी एवं पुष्टाहार उत्पादन की इकाइयों से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी बालिकाओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा बटन दबाकर 1,60,000 महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए ₹1,000 करोड़ धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण एवं प्रदेश के 43 जनपदों के 202 विकास खंडों में टेक होम राशन प्लांटों का शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 1,01,000 नवीन लाभार्थियों के खातों में ₹20 करोड़ धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। और हमारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित यूपी के ऊर्जावान और कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संगमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्णदब जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी, प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ मां इस पवित्र धरती पर आवा रहे हैं, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को
मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई है। महाकुंभ था जिसमें प्रदेश भर से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का साक्षात प्रमाण स्वरूप, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब साक्षात परिणाम सामने हो तो उसको परिणाम कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वरूप आज देखने को मिला है। हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उनकी सुरक्षा, मातृशक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाए हैं, उनके स्वावलंबन की दृष्टि से कदम उठाए हैं, और आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है। इस कार्यक्रम की दृष्टि से जो भी हमारी बहनें आई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के संबोधन किया है, धन्यवाद। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया था उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों को इतना ही कहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, या जो भी कहना है वो कुछ करके जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दिखा दे। हमारी जहाँ सरकार है हम करके दिखा रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ नाटक कर रहे हैं। खाता तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा कांग्रेस का, इसका पता नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं सहायता समूह में जो माफिया लोग जो योजना थी, पोषण योजना, पुष्टाहार जो योजना थी, उसमें कितना धांधली, कितनी पूर्व की सरकारों में आप देखते थे कितनी धांधली होती थी, कितना माफिया गिरी उसमें थी। आज 202 स्वयं सहायता समूह ने खुद अपना प्लांट लगाया और खुद बना रहे हैं, तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्य किया गया। दूसरा, जो खुद के बैंक खाते नहीं थे उन लोगों को भी, जिनके बैंक के खाते नहीं थे उनको बैंक सखी के रूप में बना करके उनको दरवाजे, मतलब किसी गरीब आदमी को, किसी छोटे गांव में भी बैंक खुद ही उनके दरवाजे पहुंच रहा है, उन सखियों को भी आमदनी का साधन। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से ओजस्वी भाषण देते हुए लगभग 2.5 लाख महिलाओं को निशाना साधा है, और इस समय देखिए कहा जा रहा है कि ये चुनावी रैली थी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है उसके कारण से पूरा भारत का जो बदलता हुआ प्रवेश है, और नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश का आज आपको संगम नगरी पर एक महान संगम नारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों हजार करोड़ रुपए लोगों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया है। मैं समझता हूं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। सर, आज मंच से 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया, ये तीनों योजनाएं कौन कौन सी है और इसमें क्या क्या था? पीसी सखी की योजना आप जानते हैं, पुष्टाहार की योजना आप जानते हैं, लाभार्थियों को जो स्वयं सहायता समूह के बहने काम करती, वो 3 प्रकार की योजनाएं थी जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी स्थापित किया और बड़ी योजनाओं का लोकार्पण करके उनके खाते में पैसा भी भेजा। एक नई योजना का भी उन्होंने
आपने यहाँ से आवाज दी है वो योजना क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नित नई योजनाओं के लिए नारी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए उसके लिए हर दिन नई योजनाओं को लेकर के आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के जीवन में उत्थान लाया है, परिवर्तन लाया, आज हर परिवार खुशहाल है और उसी का प्रतीक था कि लाखों लाख महिलाएं आज संगम की नगरी पर थी। कर रहे हैं सब लोग डिस्टेंस करिए। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना उसी तरह से मथुरा में भी राम मंदिर बनना चाहिए। आप भगाइए आप बस सही बोल रहे हैं जी वहां जरा भगाइए साहब। चलिए मैडम विश्वनाथ के यहां कॉरिडोर बहुत सुंदर बना है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए सबको लगता है मथुरा में भी होना भी चाहिए। जन्मभूमि आज मांग उठाएंगी मांग उठा लिया होगा। मैम जया बच्चन जी ने सरकार को श्राप दिया है उस पे क्या कहेंगी राज्यसभा में उन्होंने? ब्यूरो रिपोर्ट यूएफटी लाइव।